मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जुड़ गए हैं, सो वी कैन स्टार्ट आवर क्लास टुडे। आज के क्लास में हम लोग वीक्स ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे। हम लोग जो पढ़ चुके हैं, विल डू डू अ क्विक रिकैप। हम लोग फटाफट एक रिकैप करेंगे, ठीक है? और हम लोग वीक्स ऑफ वर्ड्स करेंगे। आई होप यू रिमेम्बर कि हम लोगों ने वीक्स ऑफ वर्ड्स पढ़ाया था लास्ट क्लास में, जिसमें कि अच्छा, मुझे एक बार बताओ, पूरे स्क्रीन में मुझे बच्चे हिलते डुलते मिलते हैं। इट लुक्स वेरी बैड। आप देखिए, मेरा भी स्क्रीन, मैंने भी मोबाइल को कहीं दूर रखा हुआ है, लैपटॉप को कहीं दूर रखा हुआ है, तो दैट मेरा बैकग्राउंड नहीं हिल रहा है। आपके साथ क्या हो रहा है? आप मोबाइल को हाथ में ले लेते हैं एंड देन यू मूव लाइक दिस, तो आपका कैमरा भी हिलता है, जिससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं, है ना? तो आप एक काम करें, सीधा बैठे। प्रियेश, आप भी सीधा बैठ जाए, डोंट स्लीप इन द क्लास, सीधा बैठ जाए। प्रियेश रंजन, 4B बैठ जाओ। अपने मोबाइल को थोड़ा दूर में रखो ताकि स्टडी एक पिक्चर आए, है ना, ताकि देखने में भी बढ़िया लगे ना। यू आर स्टडिंग इन द क्लास, पता चले। जैसे राधिका रंजन ने रखा है, साक्षी ने रखा है, वेरी गुड। शिवेश ने भी बहुत सुंदर से क्लास को रखा, अपने मोबाइल को रखा हुआ है। तो आप मोबाइल को थोड़ा दूर रखें, और सो दैट आपको हिलने की जरूरत नहीं पड़े, सो दैट यू कैन कंसंट्रेट इन द क्लास। ओके, तो हम लोग बीक्स पढ़े थे। हम लोग ने बीक्स में पढ़ा था कि बीक्स, द बर्ड्स बीक हैज गॉट दिस इंपॉर्टेंस, बिकॉज उसके बाद तो दांत नहीं होते, दे डोंट हैव टीथ फॉर बाइटिंग, फॉर टियरिंग, तो वो सारा काम अपने बीक से करता है। और मैंने उस दिन एक वर्ड बताया था, अनिद्या इज हियर, यस, शी इज अ वेरी लवली गर्ल। अनिद्या, अनम्यूट कर दिया बेटा तुमको। यस मैम। अनिद्या, उस दिन हम लोगों ने एक बड़ा खूबसूरत सा वर्ड पढ़ा था, तो फिर माइक पीछे करो, माइक पीछे करो, तुम्हारा When you breathe, ना, वो breathe भी आती है। हाँ, मैं तो छोड़ दूँ, मैंने भी मैं लिखा है, मतलब मैंने छोड़ा हुआ। ओके, तो हम लोगों ने उसे एक वर्ड पढ़ा था, आई होप यू रिमेम्बर, प्रीनिंग। यू रिमेम्बर दैट वर्ड? यस मैम। व्हाट डज दैट वर्ड मीन? प्रीनिंग का मतलब क्या होता है? प्रीनिंग इज दैट प्रोसेस इन व्हिच बर्ड क्लीन देयर फेदर सिक्रीशन होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर क्लास। चल हम स्क्रीन शेयर करते हैं। शेयरिंग ऑफ स्क्रीन मीन्स मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं स्क्रीन के साथ हूँ, आपके साथ, स्क्रीन के साथ जुड़ी हूँ। ध्यान रहे, व्हेन आई एम शेयरिंग देयर शुड बी सी। मैंने आपके लिए ये एक छोटा सा पीडीएफ ढूंढा था। ओके, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, so they use their beak, okay? Since हमारे तरह दांत नहीं, देखो हम लोगों ने पढ़ा है ना दांत के बारे में, we have got molars, premolars, canines and incisors. अगर सामने शुरू करें, we have got incisors. Who is doing this? Who is doing this? Who was it? Okay, so this was, birds do not have teeth, they use their beak. आपको यहाँ पे देखे, they don't have teeth, they use their beak. Okay, the next. Just a minute. Next, see, they use their beak to tear, bite, chisel, and crush their food. Okay, they use their beaks to tear, bite, and chisel their food. Okay,
Let me see. Okay, yes, what was going on? Okay, so they use their beak to bite, chisel, and crush their food. Yeh hum log us din padhe hain. Dusra dekho. The shape of the beak is according to food habit of the birds. Yaad hai? Humne bataya tha us din. Jaisa food habit hoga, waise unki shape of beak hogi. Sahi hai? Sakshi, sahi hai na? जो शेप है वो डिपेंड करता है कि जैसा हमारा बर्ड का फूड हैबिट होगा वैसे उसकी शेप हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट. सम बर्ड्स यूज देयर बीक टू फाइट द एनिमी एंड कैच द प्रे. सी यहाँ पे यू कैन सी क्रोकोडाइल के साथ उस बर्ड का फाइटिंग चल रहा है. सो दे यूज देयर बीक टू फाइट. उनके पास फेदर विंग्स है. दे डोंट हैव वेपन लाइक वी यूज. हम जैसा वेपन रखते हैं अपने पास तो वो उनके पास नहीं है. बट भगवान नेचर ने उन्हें अपने आप वेपन दिया है. दे यूज देयर बीक टू फाइट द एनिमी एंड कैच द प्रे. अब हमारी तरह उनके हाथ भी नहीं है. ओके, आज मैं एक खूबसूरत सा वीडियो भेजूंगी आप लोग के लिए कि अगर बर्ड्स को हाथ होते विंग्स के साथ तो क्या होते. आई गॉट इट सम फ्रॉम समवेयर और मुझे बहुत अच्छा लगा था. मैंने ये वीडियो को डाउनलोड किया है और ये मेरा बनाया वीडियो नहीं है. किसी ने मुझे भेजा है व्हाट्सएप पे. मैं आप उसको आपको अपलोड करूंगी. ठीक है, आपके ग्रुप में. ओके, नेक्स्ट. सी दे आल्सो यूज इट फॉर प्रीनिंग देयर फेदर्स. अभी मैंने बताया था अनिद्या से, तो अनिद्या ने बताया यहाँ देखो आप एक बर्ड जो पैरट है दे आर यूजिंग इट फॉर प्रीनिंग. क्या कर रहे हैं वो बर्ड अपने आप को. यहाँ डक भी अपने आप को प्रीन कर रहा है. यू कैन सी, दिख रहा है सभी को. साक्षी कैन यू सी द स्क्रीन. दिख रहा है साक्षी. चित्रांश, चित्रांश अनम्यूट करो अपने आप को. कैन यू सी द स्क्रीन. दिख रहा है आपको स्क्रीन. यस मैम. और स्क्रीन में क्या दिख रहा है मैम? बर्ड्स. और बर्ड्स क्या कर रहे हैं? व्हाट आर द बर्ड्स डूइंग? मैम बर्ड्स वाटर में है और बर्ड्स पेड़ पे है. नहीं तो आप इनकम्प्लीट दिख रहे हैं. म्यूट करें अपने आप को. अनिद्या ने हाथ उठाया. मैं हाथ अनिद्या को अनम्यूट कर रही हूँ. आप चित्रांश फोन को आपने म्यूट करो. अनिद्या व्हाट आर यू फाइंड, व्हाट कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? बर्ड्स आर ट्रेनिंग देयर फेदर्स. ओके, दे आर यूजिंग देयर बीक. दे आर यूजिंग देयर बीक फॉर ट्रेनिंग देयर फेदर्स. एब्सोल्युटली राइट. सही, वो बीक को यूज कर रहे हैं. मैंने इतना मेहनत से आपके लिए ये वीडियोस निकाले, ये पिक्चर्स निकाले. अगर आप इसको समझेंगे ही नहीं तो व्हाट इज द यूज ऑफ इट. चित्रांश आपको अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर व्हाट इज द यूज ऑफ इट बेटा. इसमें दो बर्ड्स को हम दिखा रहे हैं. दे आर यूजिंग देयर बीक्स फॉर प्रीनिंग देयर फेदर्स. ये अपने फेदर्स को साफ कर रहे हैं. यू कैन सी प्रीनिंग मीन्स टू क्लीन द फेदर्स एंड सेट देम राइट. Birds spread wax and secrete it at the base of the feathers during this process. जब ये अपने wings को, अपने feathers को साफ कर रहे होते हैं तो birds क्या करते हैं, एक wax. आप देखेंगे आपका बाल जब बहुत खराब हो जाता है, बहुत rowdy हो जाता है, बहुत uncontrollable हो जाता है तो माँ उसमें oil डालती है. माँ बालों में तेल डाल देती है आपके कभी भी? Raise your hand if you know this. Priyesh Ranjan, unmute yourself. अच्छा प्रियेश को तो बाल ही नहीं है. ओए प्रियेश, प्रियेश को तो बाल ही नहीं है तो प्रियेश कैसे क्या डालता होगा? तब तो खेती ज्यादा जरूरी है भाई. इसको तो ज्यादा फर्टिलाइजर्स की जरूरत है ना? Yes, ma'am. ओके चलो. तो प्रियेश फिर भी मुझे ये बताओ, जब आपके बाल बड़े थे और बड़े रफ हो जाते थे तो क्या करते थे आप? बाल में तेल डालते थे? डू यू यूज ऑयलिंग करते थे? मैम बचपन में डालता था, अब छोड़ दिया हूं. क्यों, अब बूढ़े हो गए हो? अब बूढ़े हो गए हो प्रियेश? नो मैम,
मुझे लगा बचपन में डालता था, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ मैम, बाल बाल भी सर से गिर गए हैं तो मैं नहीं डालता। नहीं ना, ओके साक्षी हंस रही है। प्रियेश प्रियेश अपने आप को म्यूट करो, मैं साक्षी को पकड़ती हूँ। साक्षी हंस रही है, थोड़ा सा साक्षी का क्लास लेते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी से म्यूट करो अपने आप को। ओके साक्षी अनम्यूट योरसेल्फ, साक्षी अनम्यूट कर लो बेटा जल्दी जल्दी से। हो गया, आवाज नहीं आ रही है, आपने अनम्यूट नहीं किया है। ओके नंदिनी, हाँ साक्षी की आवाज आ गई। चलो साक्षी मुझे ये बताओ कि बाल जब हमारे बहुत रफ हो जाते हैं, डू वी पुट ऑयल इनटू इट? हाँ या ना? आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आकृति थापा, आकृति थापा। यस मैम। ओके व्हेन व्हेन आवर हेयर बिकम वेरी रफ तो हम उसमें ऑयलिंग करते हैं। यस मैम। ओके सो वी नीड टू अप्लाई वैक्स, वी नीड टू अप्लाई समथिंग लाइक वैक्स, तो है ना? तो ये बर्ड्स को नेचर ने खुद से दिया हुआ है ना? दे हैव गॉट वैक्स एट द बेस ऑफ देयर फेदर्स। ये वैक्स होते हैं जबकि इनके बेस पे, वैक्स जो होते हैं फेदर्स के बेस में होते हैं, जब वो उसको साफ कर रहे होते हैं। यू कैन सी हियर, आप स्क्रीन को देखो, मैंने एक क्रॉस बनाया, आपको क्रॉस दिख रहा है यहाँ पे? प्लस का साइन दिख रहा है? अनिद्या कैन यू सी प्लस साइन ऑफ प्लस? अनिद्या आपको दिख रहा है? नो मैम। एक प्लस साइन नहीं दिख रहा है जो कर्सर घूम रहा है तो? यस ओके सो ये मैं बताना चाह रही थी। यहाँ पे देखो एक एक पैरट तो बैठा हुआ है, दूसरा पैरट का प्रीनिंग चल रहा है। वो प्रीनिंग कर रहा है अपने फेस को, अपने बीक को, अपने इस बॉडी के अंदर डाला हुआ है और वहां से वो अपने पूरे फेदर्स को साफ कर रहा है। यहाँ पे वो डक भी है, यू कैन सी द डक, डक इज डूइंग आल्सो द सेम थिंग। डक भी वही चीज कर रहा है, वो अपने बीक से पूरे फेदर्स को साफ कर रहा है एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस उसके फेदर्स को सेट देम राइट। हमने भी कोम्बिंग किया है ना, अभी जब हम कोम्ब करते हैं तो हम अपने बालों को सेट करते हैं राइटली, अदरवाइज तो फिर वो अजीब टाइप के हो जाएंगे। तो बाय कोम्बिंग व्हाट वी डू, वी कीप द हेयर्स सेट देम राइट। ओके करते हैं ना, जैसे ब्रिजभूषण बिना कोम्बिंग के बैठा है तो जस्ट लुक एट हिज फेस, और साक्षी को देखो प्रॉपरली कोम्बिंग करके बैठी है। सो दिस इज व्हाट ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट। ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक मिनट मुझे थोड़ा स्क्रीन छोटा करना पड़ेगा। हाँ नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट पिक्चर।
ओके सॉरी मैं म्यूटेड हो गई थी. ओके सो यू कैन सी हियर बर्ड्स लाइक पैरट हैव गॉट कर्व्ड बीक एंड दीज हैव टू क्रैक नट्स एंड फ्रूट्स. दिख रहा है आपको यहाँ पे बर्ड्स की, देखिए आपके पैरट के. ओके नेक्स्ट, ये तो पढ़ा चुके हैं हम लोग, एक रिवीजन केवल कर रहे हैं. यानी हम लोगों ने, अब देखो पियर्सिंग एंड टियरिंग. पियर्सिंग का मतलब छेद करना, पकड़ के छेद करना. टियरिंग मतलब पूरा, मतलब टियर कर देना, फाड़ देना. बर्ड्स लाइक ईगल वल्चर हैव स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड कर्व्ड बीक दैट हेल्प देम टू टियर द फ्लैश. दे आर द बर्ड्स ऑफ प्रे. ध्यान रहे ये फ्लैश ईटिंग बर्ड्स है, है ना प्रियेश? आपके बुक में ऐसा ही कुछ दिया हुआ है. ओके These are the birds of prey because they take flesh as their food. So, इनको अगर आप flesh खाएंगे, आपको बताया हुआ है ना कि जो flesh eating teeth है वो क्या है हमारे? Tearing teeth, the canines, the corner one, the pointed है. ये क्या करते हैं? Tearing purpose के लिए. तो भाई ऐसे ही teeth हमारे birds के भी हैं, ऐसे ही beak हमको उनको birds को भी चाहिए. क्योंकि अगर flesh को tear करना है तो उनके beak को क्या होना पड़ेगा? They have to be. चलो प्रियेश मेरे साथ बोलो. Okay, Priyesh, unmute yourself. Yes. Yes, ma'am. So, birds like eagle and vulture have strong, hardened, curved beak that help them to tear the flesh. Yani flesh-eating birds ko kya hona padega? Unke beak ko kaisa hona padega? Strong hona padega. Hona padega na strong? Yes, ma'am. Curved beak. Aur thoda sa curved beak. Kyunki hum seedha to kaat nahi sakte usko. So, usko flesh ko dale, flesh mein apne beak ko dalta hai and then tear it. So, inke jo beak hai, पियर्सिंग. ब्रिजभूषण मैडम, इनके जो बीक है वो टियरिंग है एंड पियर्सिंग है. यानी ये स्ट्रेट होंगे और फिर मुड़े हुए होंगे, कर्व्ड होंगे. जो क्या करेगा, ये पैरेट की तरह कर्व्ड नहीं है, पैरेट का पूरा कर्व्ड होता है. इसका स्ट्रेट एंड देन कर्व्ड. ये क्या करता है? पियर्स, पियर्स करेगा. पियर्स का मतलब ध्यान रखना है छेद करना. पियर्स करेगा एंड देन टियर करेगा. ठीक है, so these help them to tear the flesh. Next. मैम, tear मतलब फाड़ना होता है ना? Yes. क्या करेगा? Flesh के अंदर अपने beak को डालेगा and उसको फिर tear करेगा. आप कागज फाड़ते हैं ना? That is tearing. Now chiseling beak. Here see. Birds like woodpecker have strong, long and straight beak. यहाँ पे आपको दिख रहा है beak. Woodpecker देखो, उसके अंदर उस hole के अंदर उसके बच्चे हैं. तो क्या करता है वो? वुड को पैक भी करता है, इंसेक्ट को लेके आता है और ईट इंसेक्ट्स. वो उसके अंदर के इंसेक्ट्स को खाता भी है. देखो इनके लंबे बीक होते हैं, इसको हम लोग चिजलिंग बीक कहते हैं. देखो व्हाइल पेकिंग एट समथिंग द बर्ड मूव इज बीक फॉरवर्ड एंड क्विकली बाइट्स इट एट इट. देखो क्या कर रहा है, जब ये पैक कर रहा होता है वो अपने बीक को फॉरवर्ड जल्दी जल्दी मारता है और काटता भी जाता है. बाइक्स एट इट. आपको दिख रहा है यहाँ पे? मैं थोड़ा सा बड़ा करके देखूं, थोड़ा बड़ा हो सकता है. कैन यू सी नाउ? अब दिख रहा है आपको? यस मैम, दिख रहा है. दिख रहा है तो थोड़ा सा हम लोग इसको और शिफ्ट करते हैं. देखो देखा? यस मैम. ओके नाउ नेक्स्ट, जहां समझ में नहीं आएगा बताते जाएंगे. तो ये वुडपेकर की बात थी कि वुडपेकर क्या करता है, चिजलिंग बीक होते हैं, प्रोबिंग बीक. आप इसको देखो कितना खूबसूरत, ये बर्ड इज सो स्वीट. कैन यू सी दिस बर्ड? कितना कलरफुल है. इसके बीक कैसे हैं? एकदम शार्प पतले से बीक है, है ना? They have long and slender beak. Some birds like hummingbird, sunbird and hoop have long and slender. Slender मतलब दुबला पतला, है ना? They have got long and slender beak. ये क्या करता है? अब slender beak इसको जरूरत पड़ेगी, पतली वाली beak इसको जरूरत पड़ेगी, जिसको कहीं से कुछ. आप देखिए उनके आपके आपके पास अरध्या, अरध्या एक रस्सी का डब्बा ला दो. See, here also, probing beak है. दिख रहा है आपको?
Sunbirds suck nectar from the flowers while hoop take out nectar from the worms from the hole. Takes out insects and worms from the holes of the ground. यहाँ पे देखो सनबर्ड है आपके, मैं आपको एक चीज दिखा, देखो ये मेरे पास लस्सी का डब्बा है ना, ये एक लस्सी है, इसको अगर हमको निकालना हो, अगर हमको सक करना हो, वी नीड टू हैव समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा ऐसा चाहिए होगा तो इसके अंदर जाएगा एंड वी कैन सक इट, क्योंकि हमको सक करना है ना। तो ये बर्ड्स क्या है, ये सक करते नेक्टर, फ्लावर से नेक्टर को सक करते, जब ये नेक्टर सक करेंगे, अगर ये चौड़े वाले बीक होंगे तो क्या ये उस फ्लावर के अंदर अपने अपना नेक्टर को सक कर पाएंगे, नहीं ना, तो उनको पतले बीक चाहिए जो फ्लावर के अंदर जा सके और वहां से नेक्टर को सक कर सके। प्रियेश और एनीबॉडी एल्स नहीं है प्रॉब्लम, तो आप बता सकते हैं। नो मैम, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। नहीं हुआ, एनीबॉडी एल्स नो प्रॉब्लम, ओके। फिर से एक बार देखेंगे हम लोग प्रोबिंग बीक। देखो यहाँ पे सम बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड, सन बर्ड एंड हूप हैव गॉट लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। ये बीक क्यों है, ये इसलिए है, तो यहाँ पे ये बर्ड बर्ड जो है वो फ्लावर से नेक्टर सक करने के लिए बैठा है, तो हम जब सकिंग करेंगे यू नीड टू हैव समथिंग लाइक ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर चाहिए उसको, तो ये बीक जो है उसको हेल्प करता है। इस बीक को हम लोग कहते हैं प्रोबिंग बीक। अब किसी होल में, ग्राउंड में कोई पतला सा होल है, उसके अंदर कोई इंसेक्ट है, तो ये बीक वाले बर्ड्स क्या करेंगे, अपने बीक को उसके अंदर डालेंगे और एक फॉर्क की तरह उसको निकाल के ले लेंगे, ठीक है ना। आपके पास फॉर्क होता है ना, जो ट्विजर, कभी कभी ट्विजर आईब्रोज करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो पतला सा फॉर्क से उसको वो उठा के निकाल सकेगा, तो बीक जो है वो पतले होंगे तो वो होल में चले जाएंगे एंड दे कैन पिक द वर्म्स और द इंसेक्ट आउट ऑफ द होल। ओके, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे। दिस वॉज प्रोबिंग बीक। नेक्स्ट शिफ्टिंग बीक, देखो यहाँ पे डक है, शिफ्टिंग बीक, अब ये ध्यान रखना है, शिफ्ट का मतलब होता है शिफ्ट करना, यहां से वहां करना, तो ऐसे बीक किसको होते हैं, ऐसे बीक डक को होते हैं, ऐसे बीक किसको होते हैं, ऐसे बीक डक को। मीनवाइल मैं किसी और बच्चे को भी अनम्यूट करके रखती हूँ, ताकि वो भी, राधिका रंजन मैंने आपको भी अनम्यूट किया हुआ है, ओके, अनम्यूट किया हुआ है आपको। The duck has a flat and broad beak. आपको दिख रहा है, duck के जो होते हैं flat and broad beak होते हैं, इनके दोनों तरफ दो होल होते हैं, ये दो होल होते हैं, आपको, आप बुक निकाल के बैठेंगे तो कुछ क्लियर समझ में आएगा। तो ये क्या करता है, इट digs up food along with mud from the base of the pond or the lake. ये क्या करता है, mud के pond के base से, तालाब पोखर यही जगह पे मिलता है duck, ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे ये जब फूड ले रहा होता है तो मड के साथ लेता है, ठीक है ना, ये मड भी साथ में ले लेता है और क्या होगा, ये शिफ्ट करेगा अपने खाने को। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, मेरे पास एक पिक्चर है, देखो यू कैन सी हियर, दिख रहा है आपको साक्षी, कैन यू सी दिस, ये जो बीक उसके नाक के ऊपर बनी हुई होती है, इट्स बीक पुशेस आउट द मड एंड द वॉटर फ्रॉम द होल्स। जब वो खाना को पूरा निकाल अपने मुंह में डाल लिया होता है, तब क्या करता है, ये अपने नाक के ऊपर जो बीक के ऊपर जो होल है उससे क्या करता है, जो इतने कचरा, मिट्टी है, मिट्टी है, पानी है, उसको बाहर निकाल देता है और क्या छोड़ देता है मुंह के अंदर, फूड को। इट्स बिग डस्ट हेल्प टू शिफ्ट द फूड फ्रॉम मड एंड वॉटर, अपने खाने को वो मड और वॉटर से अलग कर लेता है, एंड दैट इज वाई This type of beak are said to be the shifting beak. देखो, वो कचरा लेके आए हैं, खाना लेके आए हैं, खाने के साथ मिट्टी और पानी भी है, वो क्या करेगा, उस नोज जो होल बने हुए हैं उससे मिट्टी और पानी को बाहर फेंक देगा और जो खाना रहेगा, जो फूड रहेगा, उसके मुंह में रह ही जाएगा, and they see ducklings को वो खाना दे रहे हैं। Can you see this? दिख रहा है साक्षी, अच्छा वीडियो, अच्छा है, अच्छा दिखा, ओके, वेरी गुड, चलो तो नेक्स्ट मूव टू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा कम है, बस 6 मिनट का टाइम है, हम लोग जितना कर पाते हैं हम लोग कर लेंगे। फिर कल है स्टिकी बीक। नाउ सी, स्वालो हैज गॉट अ स्मॉल ब्रॉड एंड स्टिकी, इनके जो बीक है वो स्मॉल भी है, ब्रॉड भी है और स्टिकी है, अंदर से वो स्टिकी चिपचिपा है,
क्या करता है, अपने बीक को वो खोल के उड़ता है, और जैसे ही कोई फ्लाई उड़ता हुआ आता है उसके स्टिकी बीक में चिपक जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, जब वो फ्लाई करता रहेगा, इट विल कीप ऑन ओपनिंग इट्स बीक लाइक दिस, और जो भी फ्लाईज रहेंगे वो पचा तुरंत से उसके बीक में चिपक जाएंगे, एंड दिस विल हेल्प टू कैच द फ्लाईज। ठीक है साक्षी, प्रियेश रंजन आप भी अनम्यूटेड है, राधिका समझ में आया? यस मैम, समझ में आ गया। वेरी गुड, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट बीक, हमारे यहीं तक बीक का ये था। अब हम लोग ओके, किसको किसको आज का ये स्लाइड्स अच्छा लगा, हाथ उठाओ, कैमरा में ही हाथ उठाओ, यहाँ पहले से बहुत सारे हाथ उठे हुए, लेट मी सी, गिव मी अ थम्स अप, बहुत अच्छा लगा मैम स्लाइड्स, बहुत अच्छा लगा, ये थम्स अप डालो यहाँ रिएक्शंस। ओके, बहुत लोग को अच्छा लगा, अच्छा लगा है, वेरी गुड, अधिका को भी अच्छा लगा, इतिशा अच्छा नहीं लगा बेटा, ओके चलो, रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी हैव ओनली 4 मिनट्स टाइम, चित्रांशु भी अच्छा लगा, तो मैंने ये इसलिए बनाया आपको, इसको स्कूल दिखाया ताकि आपको समझ में आए हमारे बीक्स, इसके बाद बीक्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी ना मानस झा, कोई दिक्कत होगी मानस, आईज बड़े बड़े हो गए नाम सुन के। ओके प्रियेश रंजन, राधिका रंजन, आप लोग दो अनम्यूटेड हैं, दो और बच्चों को अनम्यूट करती हूँ, एरम सादिया को अनम्यूट किया, कौशिकी को अनम्यूट, कौशिकी आप अनम्यूट करो, आदित्य कुमार मिश्रा भी अनम्यूटेड है, मेरे पास सात पांच छह बच्चे अनम्यूटेड है, आप हल्ला नहीं करेंगे, शांति शांति मजे सुनो, किसी के साथ वीडियो टीवी चल रहा है टीवी बंद करो या फिर क्लासरूम से हटो। आदित्य मिश्रा तुम्हारे यहाँ टीवी चल रहा है क्या? नो मैम। ओके, तो आज का ये जो क्लासेस मैंने अभी आपको ये किया है, ये क्यों किया? मेरी आवाज कट के आ रही है? नो मैम। तो इरम ने कहा मेरी आवाज कट के आ रही है, कौशिकी अनम्यूट करो। यस। ओके, सो आज का जो हम लोगों ने बीक्स पढ़ा है, हम लोग कल पढ़ेंगे क्लॉज, तैयार रहेंगे क्लॉज के साथ, हम क्लॉज जैसे कि बीक हेल्प करता है फाइटिंग में, क्लॉज का भी कुछ अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग क्लॉज के टाइप होते हैं, हमारे फिंगर्स हैं, वी हैव गॉट फिंगर्स, हमारे पैर में भी वी हैव गॉट टोज एंड फिंगर्स, हमारे हाथ पे भी है। कौशिकी की तरफ से आवाज आ रही है, हाँ वही माइक ऑन हो जा रहा है। ओके, तो आदित्य राज मिश्रा को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, इतिशा को अनम्यूट कर, दो बच्चे अनम्यूटेड है, तो आप आज पढ़ेंगे क्लॉज, अंडरलाइन करेंगे डिफिकल्ट टर्म्स, अगर आपको लगता है कि डिफिकल्ट है हमारे लिए हम इसका मीनिंग बताएंगे, तो आज का आपका काम होगा यू गो थ्रू द लेसन, लेसन को पढ़िए, अंडरलाइन द डिफिकल्ट टर्म्स, और एक लगा लिख के रखिए, मुझे ना भेजे, डोंट सेंड इट टू मी, मुझे जरूरत नहीं आपके डिफिकल्ट वर्ड्स की, हम क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, आज का जो इस संडे का जो टेस्ट का जो पोर्शन है, that is importance of plants, ठीक है, या plants around us, lesson 4, ये आपका lesson है, you have to get it completely marked, ये हम इसलिए आपको एक lesson पीछे का दे रहे हैं, हम ये lesson को पढ़ा रहे हैं, it will go as usual, we are studying, और हमारा जो next test है, वो lesson 4 है, meanwhile, सारे बच्चे, first of all, lower your hands, और सारे बच्चे अपने hands lower करो, अभी भी मेरे पास 3 मिनट का समय है, इफ यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग हम उनको अनम्यूट करेंगे, फटाफट हाथ को नीचे करो, जिन लोगों का हाथ रेज्ड है, kindly lower your hands, first lower your hands, सारे बच्चे जल्दी जल्दी करो ना, अपना अपना सब कुछ करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, lower hands, those who are unmuted don't talk, those who are unmuted don't talk, okay now tell me, हमारा हाथ उठा हुआ है, यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग, अरदे कुमारी अनम्यूट करो बेटा, अरदे कुमारी, do you want to ask something?
आराध्य बोलो क्या पूछना है। तो मैंने अभी कहा था ना कि अपने हाथ को नीचे कर लूं ताकि मैं जिनका हाथ उठा रहेगा उनसे पूछूंगी। कौशिकी को कुछ नहीं पूछना है। नंदिनी यू वांट टू आस्क समथिंग? यस मैम। बोलो क्या पूछना है। मैम वो जो क्लास फोर का वो जो ग्रुप है मैम उसमें मैं ऐड नहीं हूँ। क्लास फोर कौन से ग्रुप में ऐड नहीं है आप मैम जी?